व्हाट्सअप गाइस, आज का एक वर्कआउट वीडियो बहुत दिनों के बाद आई फिगर्ड मैंने वर्कआउट वीडियो जिम में शूट नहीं किया, सो टुडे आई एम गोइंग टू शूट ऑन द जिम। आई एम लिसनिंग टू माय मोटिवेशन सॉन्ग जिम जाने से पहले। यू वांट टू नो व्हाट सॉन्ग आई एम लिसनिंग टू? Let's go to the gym. What's up guys? I'm going to the gym on my way and आज जो वर्कआउट करेंगे will be a chest exercise workout, flat bench and we'll use dumbbells. बहुत लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है चेस्ट में, जब भी वर्कआउट करते हैं प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं कर पाते, शोल्डर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, उनके ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। जो मैं आपको बताऊँगा वो एक ट्रिक है छोटी सी, यू विल प्ले अराउंड विद द रिस्ट पोजिशन एंड आप देखेंगे कि आपका चेस्ट वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा। एंड अगर आप 40 किलो के डंबल्स लगाते हैं तो आप मैक्सिमम 30 लगा पाएंगे, 30 से लगाते हैं मैक्सिमम 25, सो यू विल ड्रॉप इन योर वेट, सो डोंट गेट वरीड अगर आप कम वेट उठा पा रहे हैं, बिकॉज वी आर बॉडी बिल्डर्स, वी आर नॉट वेट लिफ्टर्स गाइस, ऑलराइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। समर टाइम Hey guys, what's up? Welcome back. आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी, मेरा नाम है गौरव। आज की वीडियो में वी आर डूइंग, आई एम गोना टेल यू अ वेरिएशन ऑफ चेस्ट फ्लैट। मेरा अगर पूछे बारबल या डम्बल, बेंच प्रेस या डम्बल प्रेस, मेरा फेवरेट क्या है? आई लाइक डम्बल्स ओनली बिकॉज मेरे को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलता है, यानी कि मेरी जो रिस्ट है दे कैन टेक वट एवर पाथ दे वॉन्ट टेक इन स्पेस। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को अगर आप बोलेंगे डम्बल से वो सीधा जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई इस एंगल पर जाएगा, और तो ये एंगल आपके रिस्ट का एंगल, जब ये सब एंगल आप वेरी करेंगे ना तो आपके शोल्डर का स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा, मतलब आपका शोल्डर इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई लाइक, मेरे को बेंच प्रेस में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड, आपका हाथ बस ऐसे रह सकता है, इट विल बी स्ट्रेट लाइक दिस। डम्बल में क्या है, आपका रिस्ट मूव कर सकता है, आपकी एल्बोज मूव कर सकती हैं, आपके हाथ पास आ सकते हैं, दूर जा सकते हैं, सो बहुत ज़्यादा इट बिकम्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सरसाइज अगर आप बारबल और डम्बल की बात करेंगे। सो आज मैं आपको ऐसी वेरिएशन बताऊंगा जो आपको बहुत ही इफेक्टिवली हिट करेगी ये एरिया, स्पेशली जो आउटर एरिया होता है ना यहाँ का, ये स्क्वीज, उसमें हमें क्या करना है, वी विल डू दिस एक्सरसाइज विद द डम्बल। पहले मैं लेट्स डू वन सेट, देखते हैं आपको कितना समझ में आता है, एंड देन आई विल ट्राई टू इलैबोरेट ऑन दैट। हे गाइस, मोस्ट ऑफ यू डू अपना रेगुलर जो डम्बल से बेंच प्रेस लगाते हैं इस तरीके से जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं, बट ये सही है गलत नहीं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बट आई विल टेल यू वन वेरिएशन जो आपके बेंच प्रेस एक्सरसाइज को दो गुना कर देगी, आपको जो चेस्ट एक्टिवेशन होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। इन भाई साहब को उठाते हैं यहाँ से, अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। भाई साहब चलिए, आपका हो गया, चलिए। सो नाउ आई शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, द स्मॉल ट्रिक। ये मैं कर रहा हूँ और जो भाई साहब कर रहे थे, भाई साहब यूँ कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डम्बल ऐसे नहीं रखना, दिस इज नॉट द पोजिशन, यू हैव टू कीप द डम्बल लाइक दिस। एंड इसमें एक मेजर क्या है कि नॉर्मल एक्सरसाइज है, गो स्ट्रेट लाइक दिस, बट मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, ऊपर जाके हमें अपनी रिस्ट करनी इनवर्ड्स, मूव करें डम्बल को ऐसे, थोड़ा सा एंगल, बहुत ज़्यादा नहीं, ये तो एल्बोज पे, सॉरी रिस्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा आपकी, लाइक दिस, हल्का सा। So that's our major. Let me reset the camera one second. All right. So देखा आपने मैंने क्या किया, डंबल ऐसे पकड़ा और वी आर गोइंग अप लाइक दिस, और उसमें ये नहीं कि ऊपर जाके आपने ऐसे करना है, इट्स अ मूवमेंट, इट हैज़ टू बी इन द मूवमेंट, मूवमेंट ही ऐसा है। तो अगर आप साइड से देखेंगे ऐसा नहीं करना, अंदर। सो नाउ इसमें डिफरेंस क्या है समझिए आप, जब अपना हाथ ऐसे अंदर करते हैं ना आप,
तो आपके यहाँ का एक्टिवेशन बहुत बढ़ जाता है। इफ़ यू ट्राई टू लुक एट माई दिस एंगल्स, ये तो नॉर्मल हो गया, ये देखिए थोड़ा सा चेस्ट मेरा ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी चेस्ट वर्कआउट फिनिश कर लिया, तो मेरा चेस्ट बहुत पम्प्ड है। सो यू गुड दिस दिस दिस, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो आउटर पूरा लाइन होता है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होता है, और इट विल टेक योर लोड आपके शोल्डर से बिल्कुल निकाल देगा, सारा लोड आपके चेस्ट पे आएगा, आपको फील होगा। इन बेंच प्रेस विद डंबल्स आई कैन गो एज हैवी एज 50 किलो, बट जब मैं ये टेक्निक करता हूँ तो 30-35 ऊपर मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, मतलब कितना भी एफर्ट मान लो, बिकॉज इट्स ऑल चेस्ट, देयर इज नो शोल्डर्स, मे बी मिनिमम ट्राइसेप, एंड देन इट्स ऑलवेज बूम अप बूम। सो आई ट्राई टू शो यू फ्रॉम वन मोर एंगल, एंड गाइस दिस इज वन मोर एंगल। सो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पीपल डू दिस, दिस इज रेगुलर आपका नॉर्मल डंबल बेंच प्रेस, टक टक मारा आपने, काम हो गया, निकलिए। नाउ अ वेरिएशन इज दिस, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपने क्या करना है, ऊपर अपने हाथों को ऐसे की बजाय यू हैव टू मूव द रिस्ट लिटिल इनवर्ड, नीचे आए, टक टक। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, आप देख रहे हैं फिट मसल वन सेकंड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बहुत ज़रूरी होता है तीनों काम करना, बिकॉज उसी से क्या होगा, इस सब बातें बहुत सारे लोगों तक तो पहुँचेंगी, सब लोग एजुकेट होंगे और सब लोग एक अच्छे से वर्कआउट करेंगे, और वी विल बी एबल टू अचीव वॉट वी वॉन्ट, अ फिटर इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, एंड अ मोर ओपन माइंडेड जिम कल्चर इन इंडिया। वो पूरा होगा जब तक आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, नॉलेज अपने पास मत रखिए, अपने पास रखेंगे आपके साथ मर जाएगी, शेयर करिए जैसे मैं कर रहा हूँ आपके साथ। थैंक यू वन थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू बाय दिस टी शर्ट, दिस इज रॉकलो, इफ यू लाइक दिस टी शर्ट, गो टू rocklo.com, यू विल गेट 10% डिस्काउंट, विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू डोंट लाइक द टी शर्ट डोंट वरी, जस्ट सेव योर टाइम, थैंक यू वन अगेन, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। विदाउट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू टू गाइज, प्रणव चौधरी एंड भरत, वी हैड प्लेड अ स्मॉल गेम ऑन इंस्टाग्राम एंड दीज टू गाइज वन दैट गेम, सो शाउट आउट टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वन अगेन, नाउ वी आर गोइंग आउट, बाय, टेक केयर, नमस्कार, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द मिलेंगे, बाय।